हम किस तरह, मैं किस तरह इमाम जमाना को अपने घर बुलाऊंगा, मैं अपनी किसी शादी में इमाम को बुला सकता हूं? आप बुलाएंगे इमाम को अपनी शादी? मेरे बेटे की शादी है, इमाम जमाना को कार्ड भेजे, आएंगे इमाम जमाना? आएंगे? अगर इमाम को आप बुला सकते हैं तो आप बोले हां मेरी शादी बेहतरीन है। आज के बाद आप अपने जहनों में वादा करें, सिर्फ सुन के उठ के हां हूं के नहीं जाए अजीजाने मोहतरम, अपने आप से वादा करें कि हम आने वाले ओकेजन्स को ऐसे मनाएंगे कि हमारा इमाम आए हमारा मेहमान। बोलेंगे इतना मुश्किल है मौलाना साहब, इमाम को बुलाया तो लोग नहीं आएंगे, ना आए क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी में जब मुश्किल होती है तो ये 100-200 लोग आते हैं, कौन आता है उस वक्त? तो आप यही आलम को पकड़ते हैं, जरी को पकड़ते हैं, मौला बचाइए, मौला घर टूट रहा है, मौला मुश्किलात हो रही है, तो पहले क्यों नहीं बुला रहे मौला को कि आपका घर टूटे ही नहीं, पहले बुलाए? नहीं, जब कश्ती डूब रही होगी तो फिर बुलाऊंगा। अब कुरान भी ये कहता है कि जब इनकी मुश्किलात में फंसते हैं तो हमें ये याद करते हैं, और जब किनारे पे लग जाते हैं तो फिर कुफर इख्तियार। कम से कम हम अच्छी आयतों के मिज़दाक तो बने, इन कुफर की आयतों के मिज़दाक ना बने।